नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट में आंतरिक क्षेत्र के लिए लिए गए अहम फैसले के बारे में। देखेंगे बीजेपी नेता द्वारा यमुना किनारे दिल्ली सरकार के खिलाफ अनोखे अभियान को। बात करेंगे कैसे कांग्रेस में उनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया गया अपमान। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी खालिस्तानी पन्नों के गीदड़ भभके की। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की सत्ता में बने रहने के लिए महायुक्ति की रणनीति। शाह ने शिंदे, पवार और फडणवीस के साथ मिलकर बनाया प्लान। सीएम योगी ने युवाओं को दिया दिवाली का गिफ्ट। मिशन रोजगार के तहत बांटे नियुक्ति पत्र। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। बुधवार को अमित शाह से मिले थे जम्मू कश्मीर के सीएम। बेटियों को साइबर अपराध से बचाने के लिए योगी सरकार कर रही है खास पहल। छात्रों को देगी 10 प्रमुख साइबर घोटालों की जानकारी। राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर केंद्र ने मांगा अधिक समय। हाईकोर्ट में अब 25 नवंबर को होगी सुनवाई। दिवाली छठ पर सीएम योगी का पूरे यूपी को तोहफा। 18 दिन तक 24 घंटे रहेगी बिजली। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर वार। कहा राहुल गांधी और उनकी टोली ने कांग्रेस पार्टी का पिंडदान कर दिया है। भिलवाड़ा में भाजपा नेता और भतीजे पर चाकू से हमले के बाद भड़की हिंसा। गुस्साए लोगों ने फूके कई वाहन। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर चला दिया मुलायम सिंह यादव का धोबी पछाड़ दाव। बीजेपी बोली महाठग को ही ठग लिया। ये तो थी सुर्खियां, अब विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ब्रिक्स समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कैबिनेट की एक बैठक की जहां प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट बैठक के सदस्यों द्वारा स्पेस सेक्टर यानी आंतरिक क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक गुरुवार को दिल्ली में हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। ये फैसले रेलवे से लेकर स्पेस सेक्टर तक के लिए गए। आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली है। 1,000 करोड़ रुपए के द्वारा वो स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। वेंचर कैपिटल फंड बनाएगी, इसे 5 साल में खर्च किया जाएगा। 2025-26 में 150 करोड़, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 में 250-250 करोड़ और 2029-30 में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक नई रेलवे लाइन बनाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने ये जानकारी गुरुवार 24 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक के बाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की अध्यक्षता की है और उन्होंने बताया है कि कैबिनेट बैठक के दौरान आर्थिक मामलों की समिति ने रेल मंत्रालय को 6,798 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट को पास किया है। इस कैबिनेट बैठक के दौरान रेलवे को लेकर अहम फैसले भी लिए गए। इसमें नरकटियागंज रक्सौल, सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खंड में 256 किलोमीटर की रेल लाइन को डबल किया जाएगा। वही अमरावती होते हुए इरूप्लेन और नंबूर के बीच 57 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। ये आंध्र प्रदेश की एनटीआर विजयवाड़ा और गुंटूरु जिलों के तेलंगाना और खम्मम जिले से होकर गुजरेगी। वहीं बिहार में होने वाले दोहरीकरण से नेपाल पूर्वोत्तर भारत का कनेक्टिविटी बढ़ेगा। मालगाड़ियों के साथ साथ यात्री ट्रेनों की आवाजाही में भी सुविधा हो जाएगी। दोनों योजनाएं 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों में कवर होगी। साल 1985 में एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म में एक गाना था जिसकी लाइन थे राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। अगर आज के दौर में ये गाना दिल्ली की यमुना और प्रदूषण पर फिल्माया जाए तो इसके बोल होंगे दिल्ली तेरी यमुना मैली हो गई सियासत का दाव धोते धोते। क्योंकि दिवाली के बाद छठ का पर्व आने वाला है, इसलिए एक बार फिर से इस यमुना नदी में जहरीले झाग देखने को मिले हैं। वहीं कल यानी गुरुवार को दिल्ली की यमुना नदी के किनारे रेड कारपेट भी बिछाया गया और साथ ही 2 सिंहासन भी रखे गए थे जिन पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा सीएम आतिशी मार्लिना का नाम लिखा था। और इसके कुछ दूर पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यमुना नदी के गंदे पानी में डुबकी लगा रहे थे। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 10 साल से दिल्ली की सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी पिछले 1 दशकों से दिल्ली की यमुना को साफ करवाने का वादा तो कर रही है लेकिन परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ।
छठ पूजा नजदीक आते ही यमुना में जहरीले झाग देखने को मिल चुके हैं, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण के मुद्दे को लेकर सियासत जारी हो चुकी है। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने आईटीओ छठ घाट पर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल घाट पर आए और नदी में डुबकी लगाए। पार्टी दावा कर रही है कि इस सिलसिले में हर तरह की तैयारी की जा चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2025 के चुनाव से पहले यमुना को साफ करने का वादा किया था। उन्होंने दिल्ली वासियों को ये तक कह दिया था कि वो स्वयं यमुना में डुबकी लगाएंगे। हमने इसके लिए उन्हें और मुख्यमंत्री आतिशी को आमंत्रित भी किया है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया है। इसका कारण है कि उन्होंने यमुना को साफ ही नहीं किया है। सचदेवा ने आगे आरोप लगाया है कि यमुना सफाई के लिए मिले फंड का दुरुपयोग किया गया है। अब वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सचदेवा ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट किया था, जहां उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली वासियों से किए गए वादे के अनुसार अब यमुना में डुबकी लगा लेनी चाहिए। इसके लिए गुरुवार सुबह आईटीओ स्थित घाट पर मुख्यमंत्री और केजरीवाल के लिए दो कुर्सी भी लगाकर रख दी गई है। कुछ देर के इंतजार के बाद सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई। सचदेवा बोले कि उन्होंने मां यमुना से क्षमा मांगी है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल एवं आतिशी सरकार ने यमुना की सफाई फंड के 8,500 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया है। वहीं सचदेवा से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने रेड कार्पेट क्यों बिछाया है, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल को शीश महल में रहने की आदत हो चुकी है, उन्हें राजशाही की आदत है, इसलिए उनका रेड कार्पेट पे वेलकम करने के लिए हमने रेड कार्पेट बिछाया है। और दो कुर्सियों की परिपाटी तो आतिशी ने खुद ही शुरू की है। अगर पिछले 10 सालों में कोई व्यक्ति दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, तो वो खुद अरविंद केजरीवाल हैं। बीते 10 सालों में प्रदूषण रोकने के नाम पर सिर्फ विज्ञापन किए गए हैं। दिल्ली की स्थिति ऐसी नहीं होती अगर उन्होंने सच में कोई काम किया होता। केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने साथ ऐसे 60 लोगों को चुना है जो दिल्ली के हालात को नहीं सुधार पा रहे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को सिर्फ लूट रहे हैं। राहुल गांधी जो पिछड़ी जातियों के समर्थक बनते हैं, उनके हितों की बात करते हैं, वो खुद अपने पार्टी के दलित नेता से किस तरह व्यवहार करते हैं, वो तो अब जनता को दिख चुका है। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कलेक्टर के कमरे के अंदर नहीं घुसने दिए। मोहब्बत की बात करने वाले कांग्रेस के इस करतूत के बाद अब सभी के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इस बार वायनाड से उपचुनाव लड़ रही हैं, जिसके लिए प्रियंका गांधी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर के ऑफिस पहुंची थी। उनके साथ उनके भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि नामांकन के दौरान खड़गे को कलेक्टर के कमरे के अंदर नहीं घुसने दिया, वो दरवाजे के बाहर ही झांक रहे थे। इस दौरान किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो वायरल भी हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, वो दिग्गज दलित नेता भी है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी और दिग्गज दलित नेता भी थे। उनके कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। ऐसे में सभी बड़े नेताओं ने उनसे ये पद छोड़ने की मांग कही थी। सभी नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी ये जिम्मेदारी ले, हालांकि सीताराम केसरी ने ये पद छोड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद 1998 में उन्हें बहुत बेइज्जत करके अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। कहा जाता है कि कांग्रेस कार्यालय में नारों के बीच उन्हें अपशब्द भी कहे गए थे। इसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, और अब ऐसा ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू अपने करतूत से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। कभी वो प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी देता है, तो कभी भारत के ही खिलाफ बातें करता है। इस बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अमेरिका में रहने वाला खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। आतंकवादी पन्नू ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री सीआरपीएफ के मुखिया हैं, वहीं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए लोगों को हायर करने और न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रचने के लिए जिम्मेदार है। पन्नू ने धमकी दी है कि अमित शाह के विदेश दौरे के बारे में जो भी खुफिया जानकारी देगा, उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा पन्नू ने छात्रों और पेरेंट्स से सीआरपीएफ स्कूल के बहिष्कार की अपील भी की है। उसका कहना है कि सीआरपीएफ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर हमले के लिए जिम्मेदार है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने दावा किया है कि पंजाब के शीर्ष अधिकारी रहे केपीएल गिल और रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव कई दंगों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इसमें पंजाब और विदेशों में सिखों को मारे जाने की घटनाएं भी शामिल हैं।
तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए द लोकसभा। धन्यवाद।